दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो वेजिटेबल फ्राई राइस है। दोस्तों, ये रेसिपी हर किसी के घर में बनाया जाता है, लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो स्वागत है आप लोगों का आरआर किचन एंड ब्लॉग में। दोस्तों, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल यहाँ पे डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई एक ले लेंगे वेजिटेबल राइस बनाने के लिए या फ्राई राइस बनाने के लिए। कढ़ाई हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए, इसलिए इसमें मिलाने में भी आसानी होगी और स्ट्रीट स्टाइल भी बनेगा। तो देखिए, 2 चम्मच हम यहाँ पे तेल डालना है, बस ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम जीरा डालेंगे। जीरा का फ्लेवर सबको नहीं पसंद होता है, आप स्किप भी कर सकते हैं। एक हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सौते कर लेते हैं। सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो हेल्दी होगा, बच्चों के लिए बनाएंगे। सबके घर में चावल बच जाता है दोस्तों, तो दो ही विकल्प रहता है, या तो आप दाल चावल के साथ खाओ या फ्राई राइस करके खाओ। तो मेरे घर में तो यही फ्राई राइस बनता है और सभी खा लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्याज डालेंगे, जिसको मैंने ना पतला ना मोटा मीडियम साइज में चॉप किया है। थोड़ा सा हमें सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए, हम ज़्यादा इसको सॉटे नहीं करेंगे। बस हल्का पिंक हमारा प्याज हो जाएगा, बस उतना ही हमें चाहिए। देखिए, प्याज पिंक हो गए हैं। तो यहाँ पे आप को गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी बीन्स सब्जी रखना हो रख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा सॉटे कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आज हरी सब्जियाँ नहीं है, मैं यहाँ पे न्यूट्रेला सोयाबीन डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसी से बनाऊँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों को खिलाना ज़रूरी भी है। लंच के लिए बना रही हूँ, तो सोयाबीन को थोड़ा सा ही सॉटे करेंगे। सोयाबीन देखिए हल्का सा फ्राई हो गए हैं। सोयाबीन मैंने गर्म पानी में सोक करके और इसे गार के लिया था। अब यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले नहीं रखा था टमाटर फ्राई करने के लिए, कि हमें मैसी सा टमाटर नहीं चाहिए बच्चे, बस झटपट बन जाएंगे। देखिए बस, अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें सॉसेस ऐड करेंगे, तो गैस का फ्लेम एकदम कम कर देते हैं। सॉस डालने से पहले हम यहाँ पे राइस डाल देते हैं। देखिए, मैंने एक कटोरी बॉयल राइस लिया है। राइस बॉयल करने सभी को आता है दोस्तों, सबके घर में बच जाता है। देखिए, अब इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, पहले हमें सॉस के साथ भूनना है, तो मैं थोड़ा सा इसे मिला देती हूँ। देखिए, अब आप चाहें तो ऐसे भी नमक डाल के यहाँ पे खा सकते हैं। अगर आप नहीं सॉस डालना चाहते हैं, प्लेन बनाना चाहते हैं, तो ऐसे भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा बच्चों के लिए चटपटा बना रही हूँ, तो यहाँ पे गैस को एकदम लो कर देंगे और फिर इसमें सॉस डालेंगे। देखिए, 1 चम्मच के करीब यहाँ पे टमाटो सॉस, 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे वाइट विनीगर, जो खाते हैं हम लोग वो वाला। देखिए, 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1/2 चम्मच ही, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा या कम पसंद है तो कम, सोया सॉस डालेंगे। देखिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब पहले हम इसे मिला लेंगे। देखिए, अगर आप मसाला पसंद करते हो तो यहाँ पे मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे, आप चाहो तो मैगी मसाला भी, अगर मैगी मसाला, पास्ता मसाला, जो भी चाहिए उसका फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। ये खिले खिले सोयाबीन वेजिटेबल पुलाव या राइस, फ्राई राइस, जो भी आप कहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सारे सॉसेस मिला लिए हैं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई करके थोड़ा इसे हम स्ट्रीट स्टाइल में यहाँ टॉस करते हुए भुनेंगे। यहाँ पे आप हरा प्याज और धनिया ऐड कर सकते हैं। तो नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हरी सब्जी नहीं है आज मेरे पास, तो मैं बिना धनिया और हरे प्याज का बना रही हूँ। तो ऐसे भी ये टेस्टी लगता है, आप ज़रूर डालिए हो तो। बस 1 मिनट हाई फ्लेम पे टॉस करते हुए भून लेंगे, बस हमारा फ्राई राइस तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों, हेल्दी एंड टेस्टी तैयार है खिले खिले फ्राई राइस। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ दोस्तों अगले रेसिपी में।